हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज गांधारी वैली में है हमारा दूसरा दिन। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और अभी हो रहे हैं सुबह के 9। ये है मेरी चाची का गांव। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। सुबह मंदिर जाने से पहले जो मंदिर का पुजारी है, जो मेरे चाची के भाई लगते हैं, उनकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि मंदिर जाने से पहले किस तरह से माता रानी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे अभी मंदिर के पुजारी माता रानी को धूप जलाकर माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये ऐसे ही जब भी हम मंदिर के लिए जाते हैं तो माता रानी को धूप डालते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद मंदिर के लिए निकलते हैं। मंदिर जाने से पहले मैंने मंदिर के पुजारी से माता रानी के मंदिर का थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश की। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि चिड़िया के रूप में एक बुद्धिस्ट महिला को मिली हुई थी। तो माता रानी ने उस महिला से कहा कि मुझे जहां ग्लेशियर आता है उस एरिया में पहुंचा देना। उसके कुछ साल बाद एक माता रानी का चेला कांपा और कहा कि मुझे ग्लेशियर के दूसरी तरफ पहुँचा दो। उसके बाद दोनों तरफ माता रानी का मंदिर बनाया गया है और बीच में ग्लेशियर आता है। और साथ में ही मंदिर के पुजारी ने कहा कि माता मिंदल, माता शीतला और माता मचेल और माता शक्ति जी ने माता चंडी का रूप भी माना जाता है। ये चारों सगी बहनें हैं। तो अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ अपनी मायके आई हुई है जिकारू के लिए, तो वो सारी माता रानी के दर्शन करने के लिए आई है। और यहाँ पे अभी माता रानी की आरती की जा रही है। तो यहाँ पे माता रानी के मंदिर के चक्कर लगाए जाते हैं। जो जिनके पास ढोलकी और बांसुरी होती है वो माता रानी के मंदिर के बाहर के चक्कर लगाकर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी दर्शन करने के लिए आए माता रानी के, वो सारे धूप आरती के बाद यहाँ आगे माता रानी के सामने रखते हैं। और अभी माता रानी को चुन्नी चढ़ाई जा रही है। तो अभी यहाँ पे कारखानों इकट्ठा हो रहे हैं माता रानी की पूजा करने के लिए, क्योंकि पूरे 3 महीने बाद माता रानी का मंदिर खुला हुआ है। तो उसके बाद माता रानी की बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती है। तो ये कारखानों भी अपने तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं।
अब यहाँ पे चाचा जी और चाची माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। माता रानी को सबसे पहले यहाँ पे जो पूरियाँ घर से लाई है वो चढ़ाई जाती है, उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लिया जाता है। चाचा जी और चाची जी ने जब माता रानी के दर्शन किए तो हमने भी माता रानी के दर्शन किए, तो आप भी करिए माता चंडी के दर्शन, जिन्हें माता शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है मंदिर के पुजारी। तो दोस्तों अभी आए हैं हम ग्लेशियर देखने के लिए। ये जो आपको सारा दिख रहा है ये सारा ग्लेशियर है जो यहाँ ऊपर से आया हुआ है। तो अभी यहाँ पे बर्फ है पूरी और काफी ज्यादा ठंड है। पीछे का व्यू देखिए कितना ज्यादा सुंदर है। थोड़ी देर हम चारों ने, चाची जी और अनु और मैंने, यहाँ पे थोड़ी मस्ती की ग्लेशियर में। तो दोस्तों अभी हम मंदिर से दर्शन करने के बाद जा रहे हैं घर के लिए। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करेगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।